पता है यार, सुनने में आ रहा है कि डॉन 3 डिले हो गई है। पर यार मैं इस मूवी का इंतजार ना रणबीर के लिए नहीं कर रही थी, मैं तो इंतजार कर रही थी फरहान अख्तर के लिए। अब पता नहीं कब देखने को मिलेगी, लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि फरहान अख्तर कैमरे के पीछे हो या कैमरे के सामने, हमेशा अपने काम से ना हमें इम्प्रेस करके चले जाते हैं। उनकी कितनी मूवीज हैं जो हमें गहराइयों में लेकर जाती है, दिल चाहता है, डॉन, डॉन 2, ये ऐसी मूवीज हैं जो ना उनकी वर्सटैलिटी और स्टोरी टेलिंग का अवतार दिखाती हैं। तूफान जो 2021 में रिलीज हुई थी, और मडगांव एक्सप्रेस तो अभी देखिए यार, अभी तक चल रही है हमारे फ्लैशबैक में वो मूवी। इन सब के बाद ना अब फरहान अख्तर डॉन 3 को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि भाई इस मूवी को लिखेंगे भी। अब देखना ये है कि भाई कब ये मूवी रिलीज होती है। लेकिन यार ये तो तुम मानते हो कि फरहान अख्तर की मूवीज मोटिवेट बहुत करती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मोटिवेट बहुत करती हैं, और इसी चीज को आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना यार। सबसे पहले वीडियो पॉज करके यही काम करो। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रही हो फिल्मी चैट कल। देखो यार, फरहान अख्तर ना बाकी सारे खान्स की तरह है, आपको कोई मसाला फिल्म नहीं देते हैं, आपको ऐसी फिल्म नहीं देते जिसमें दो चार आइटम्स हों, दो चार एक्शन हो और बना दी यार मूवी। उनकी मूवीज ना स्लाइस ऑफ लाइफ होती हैं, उनकी मूवीज आपको मोटिवेट करती हैं, लाइफ लेसन सिखाती हैं, और ये काम बॉलीवुड में फरहान अख्तर बढ़िया से कर रहे हैं। अब फरहान का नाम लिया है तो तुम्हें उन्हीं की एक मूवी याद आई होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर सिर्फ उसी नाम से मत जानो। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। दोस्त मुझे मजनू बुलाते। यार फरहान अख्तर की मूवीज ना आपको लाइफ चैलेंजेस फेस करना सिखाती है, इन्फ्लुएंस करती है इनकी मूवी, और इसका एक बढ़िया एग्जांपल है रॉक ऑन। भाई तुम किसी भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, अपने पैशन को कभी मत छोड़ना। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तो भी आप अपने पैशन को फॉलो करते रहोगे। फरहान अख्तर का कैरेक्टर रॉक ऑन में यही कहता है। नो डाउट दोस्ती भी इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ को भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं मूवी में, और लड़ाई झगड़े तो दोस्ती में अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो भी अपने बैंड वाला पैशन वो छोड़ते नहीं है। हाँ, मूवी में इनका एक म्यूजिक बैंड है जिसको वो बुढ़ापे तक कंटिन्यू करते हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। इतना एज होने के बाद ज़्यादातर लोग अपने पैशन को छोड़ देते हैं, अपना आराम फरमाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फरहान अख्तर की मूवीज़ कहती है पैशन को फॉलो करो। लाइफ में दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश की है इस मूवी में। जब इस मूवी को देखते हो ना तो तुम्हें अपने दोस्तों की याद पक्का आ जाएगी, दोस्तों के साथ ही जिंदगी को कैसे बिताया जाता है, बैचलर ट्रिप, रोड ट्रिप, एडवेंचर, और दोस्तों के साथ गप्पे हाँकना, ये ऐसी बातें हैं जो हर एज के लोग करते हैं। जब जो हमारी उम्र के लोग हैं वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, और जो बूढ़े हो जाते हैं वो उस टाइम को याद करके खुश होते हैं। और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को देखते हुए हमने भी प्लान कर लिया था यार कि मनाली का ट्रिप तो मार ही आएंगे, स्पेन का तो हमारे बस की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फरहान अख्तर ने हमेशा दोस्तों के ऊपर ही मूवी किए लाइफ लेसन ही दिए हैं, नहीं, उन्होंने हार्डवर्क का भी एग्जाम्पल दिया है। बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा में भाग मिल्खा भाग को कैसे भूल सकती हूँ यार, कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने मिल्खा सिंह के कैरेक्टर को प्ले किया था। डायलॉग डिलीवरी हो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर उनके बोलने का तरीका हो, हर चीज़ को इतनी कड़ी मेहनत के साथ किया था कि हमें वो भाग मिल्खा भाग ही नजर आ रहे थे। और किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को इस तरीके से स्क्रीन पर जिंदा कर देना ही फरहान अख्तर की कला है। फरहान अख्तर हमें हर बार कुछ ना कुछ नया देते हैं और लाइफ का पार्ट पढ़ा कर चले जाते हैं। द स्काई इज़ पिंक तो देखी होगी आपने, प्यार, परिवार, रिलेशन, लाइफ और मौत के बीच का सफ़र दिखाती है हमें ये मूवी। किस तरीके से फरहान अपनी बेटी की लाइफ की लड़ाई लड़ते हैं उस पर बेस्ड है। फरहान अख्तर की एक्टिंग का ना अपना एक सेट पैटर्न है, वो अब रोल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अलीशान फार्म हाउस से लेकर लंदन की सड़कों पर किस तरीके से एक पिता पैसे जुटाता है, इस चीज़ को बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर ढाल दिया है। इमोशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे बोलने का तरीका हो, हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से फरहान अख्तर ने इसमें ढाल दिया। यार उनकी ये मोटिवेट करने वाली लिस्ट ना कभी खत्म नहीं होने वाली है, बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ की हैं उन्होंने अपने करियर में। और अब मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ गुम हो गए हो फरहान अख्तर, बॉलीवुड को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब मास मसाला फिल्में दे रहे हैं, असली कॉन्टेंट तो आप देते हैं। मैं आपकी लक बाय चांस, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी मूवीज़ फिर से देखना चाहती हूँ। आप बताओ, आप भी फरहान अख्तर की मूवीज़ को देखकर मोटिवेटेड होते हो ना? मैं तो होती हूँ यार, मुझे नहीं किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत इनकी मूवी देखने के बाद। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी चैट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।